बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टुडे आई विल टीच यू मॉडल पेपर नंबर 5 है। 2015 का मॉडल पेपर नंबर है 1 to 50। आज मैं विद ट्रांसलेशन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस व्हाट्सएप पर चाहते हैं, ग्रुप मेरे पास मौजूद है, तो इसके डिस्क्रिप्शन पर मैं जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर लें और व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। लेट्स स्टार्ट। साबका सेक्रेटरी बराए रियासती मेडलाइन अल्बर्ट के वालिद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा के कमीशन के मेंबर और कश्मीर में किताब खतरे के मुसन्निफ भी थे। ऑप्शन जो है इसका, उनका नाम क्या था? जोसफन कॉर्बल। ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज है। मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद तलीम के जरिए थे, उनकी तलीम एजुकेशन क्या थी? टू एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो डी है, मेडिकल डॉक्टर थे वो। नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज है कि इल्मी साइंस का मुताला है, एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये मुताला है नॉलेज का। नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज है, इराक में 1958 के बगावत का कायद कौन था जिसकी वजह से इराक जमहूरिया के तौर पर ऐलान हुआ? 4 एमसीक्यूज ऑप्शन सी है, अब्दुल करीम कासिम। नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज है मजीद दोस्तों, इंग्लिश नहीं बोल रहा इसलिए ताकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरह की वीडियोस मौजूद होंगी, आप एक मरतबा इसको ट्रांसलेशन मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग फोकस करें, जब बाद में जो है आप बुक से पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला आपको 15 एमसीक्यूज बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर आपको याद हो जाएंगे। 5 एमसीक्यूज है, मेजर शबीर शरीफ को बाद अजान निशान हैदर से नवाजा गया, आर्मी में अपने कैरियर के दौरान बहादुरी का कौन सा दूसरा तमगा दिया गया था? 5 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है, सितारे जुरत। नेक्स्ट 6 एमसीक्यूज है, विच इंडिया पर्सनैलिटी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन 1953 to 54। किस हिंदुस्तान शख्सियत ने 1953 to 54 में अकौम मुतहदा के सदर की हैसियत से खदमात अंजाम दी? 6 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है, विजावली कश्मी पंडित। नेक्स्ट 7 एमसीक्यूज है, अकवामे मुत्तहिदा के जिस एग्जाम में अकवामे मुत्तहिदा के तमाम मेंबर ममालक की नुमाइंदगी की जाती है? 7 एमसीक्यूज ऑप्शन बी है, जनरल असेंबली। नेक्स्ट एमसीक्यूज 8 है, असदुल्ला बख्श पाकिस्तान का मशहूर जमाना था। असदुल्ला बख्श वाज अ फेमस ऑफ पाकिस्तान। 8 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है, पेंटर ऑफ पाकिस्तान, पेंटर पाकिस्तान का पेंटर था। नेक्स्ट 9 एमसीक्यूज है, वजीर आजम के मशीर बड़ाए खारजा अमूर सरताज अजीज ने तरक्याती माशियात में मास्टर डिग्री हासिल की? 9 एमसीक्यूज ऑप्शन बी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज, जनरल असेंबली से अपने खिताब के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ ने एलओसी के साथ जंग बंदी से मतलब 4 इकदाम पर अमल दरामद शुरू करते हुए भारत के साथ एक नया अमन बाजाबता तौर पर तजवीज किया? ऑप्शन सी है, विदड्रॉल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम सियाचिन। नेक्स्ट 11 एमसीक्यूज है, इकवाने मुतहिदा के माहौलियाती तब्दीली से मतलब फाइन वर्क कन्वेंशन को री डी जनेरो 1992 में होने वाले अर्थ सिमट के दौरान अपनाया गया था? ये कब अमल में आया? 11 एमसीक्यूज ऑप्शन ए आएगा, मार्च 1994 में। नेक्स्ट 12 एमसीक्यूज है, इन्हें की संत में सबसे बड़े नाम में से एक जो डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइनिंग कंपनी का बानी था? 12 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है, जोहन सेसिल रोडीस। नेक्स्ट 13 एमसीक्यूज है, हु वाज द फर्स्ट यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, कह रहे इंसानी हकूक के लिए पहला गैर हाई कमिश्नर कौन था? ये ऑप्शन सी है, मास्टरिस्ट ट्रीटी।
नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज है किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद नेम्ड द किंगडम ऑफ हिजाज एंड नाजद एज सऊदी अरेबिया इन कहने के यूरोपीय यूनियन 1992 का मुआहदा 1992 के नाम से भी जाना जाता है ये 14 एमसीक्यूज था ये इसका दो जाना जाता है ऑप्शन सी है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी सॉरी 13 एमसीक्यू जो था वो ये था हु इज द फर्स्ट यूएन कमिश्नर हो गया था नेक्स्ट 15 एमसीक्यू था किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊदी नेम्ड द किंगडम ऑफ हजाज एंड नाजे एज सऊदी अरेबिया इन करे शाह अब्दुल अजीज इब्ने सऊदी ने हजाज की सल्तनत का नाम और नजद को सऊदी अरेबिया का नाम दिया 15 एमसीक्यू ऑप्शन सी है इन्होंने नाम दिया सऊदी अरेबिया का 1932 में नेक्स्ट अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर वाकया है ये वाकया है एडिस अबाबा में आपने देखना एयू स्टैंड फॉर या ऑब्जर्वेशन अफ्रीका यूनियन का जो है हेडक्वार्टर ये एडिस अबाबा में वाकया है नेक्स्ट 17 एमसीक्यू है हिंदुस्तानी नोबल इनाम जीतने वालों में से कौन सा इक्तसादियात से वाबस्ता है 17 एमसीक्यू ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन नेक्स्ट 18 एमसीक्यूज जमीन अपने महूर के गिर्द एक गर्दिश मुकम्मल करने में लग जाती है ये 24 घंटे में अपना गर्दिश मुकम्मल करती है ऑप्शन सी है नेक्स्ट 19 एमसीक्यूज है जब गैस माया में तब्दील हो जाते हैं तो इस अमल को कहते हैं इस अमल को हम कहते हैं कंडेंसेशन नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज है यीस्ट used in making in a bread is a roti banane mein istemal shuda khameer ek hai ye ek fungus hai next 21 mcq hai bimari jo diphtheria ki bimari hai insani jism mein asal andaaz karti hai ye option c hai throat fact throat mein insani throat mein jo hai wo fact asal andaaz karti hai next 22 mcq hai when was the first nobel prize most important mcq most repeated must read पहला नोबल इनाम कब दिया गया 1901 में पहला नोबल प्राइज इनाम दिया गया याद रखना आप लोगों ने 23 एमसीक्यूज है मुतहिदा कौम मुतहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत अपने मेंबरों के दरमियान हर एक को हरूफे तहजी के मुताबिक घूमती है 23 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो डी है वन मंथ नेक्स्ट 24 एमसीक्यूज है यूनेस्को जो तलीम साइंस और सकाफत से मुतलक है इसका सदर दफ्तर है इसका सदर दफ्तर जो है वो पेरिस में है मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज है अमल के लिए बेजिंग अलामिया और प्लेटफॉर्म 1922 के साथ मुआहदा करता है 25 एमसीक्यूज ऑप्शन बी है राइट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन नेक्स्ट 26 एमसीक्यूज है दोस्तों लाजमी अगर आप इसको लाजमी अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए जो है जहाँ जहाँ छोटे छोटे आ जाती है इंग्लिश तो वहाँ मैं पढ़ दिया करूँगा 26 एमसीक्यू था हुई द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलर अथॉरिटी ये जो है ऑब्जर्वेशन आगे दिया हुआ PEMRA ऑब्जर्वेशन या स्टैंड फॉर भी कह सकते हैं हम पूछ सकते हैं आप लोगों से पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी के चेयरमैन कौन है 26 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है एब्सार अलाम नेक्स्ट 27 एमसीक्यूज है पाकिस्तान के शर्मीन अबीद चुनोए ने बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता फिल्म का टाइटल बतलाएं कौन क्या था उनका टाइटल ये सेविंग फेस टाइटल था ऑप्शन डी नेक्स्ट 28 एमसीक्यूज लाहौर में चौबड़ जी मुगल दौर से तल्लुक रखने वाली मशहूर यादगारों में से एक है ये मुबीना तौर पर शहजादी ज़ैबुन्निसा के लिए बने खूबसूरत बाग के गेटवे के तौर पर तमीर किया गया था वो मुगल बादशाह की एक काबिल बेटी थी ऑप्शन जो है वो डी है औरंगजेब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके रिलेटेड औरंगजेब के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज आते हैं नेक्स्ट 29 एमसीक्यूज है स्टैंड अकेले कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है 29 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है लैंड लैन कार्ड
नेक्स्ट 13 एमसीक्यूज है, एलईडी टेक्नोलॉजी इज एनर्जी एफिशिएंट, व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर? एलईडी टेक्नोलॉजी तो वर्णाई की बचत है, अब स्टैंड फॉर इसका मुखफ्फफ क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब जो है दोस्तों ये है कि लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट 31 एमसीक्यूज है, मदरसा झील में से कौन सा जीव है? आउट ऑफ ऑड वन आउट इनमें से निकालने, 31 एमसीक्यूज जो है ऑप्शन डी है, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट 32 एमसीक्यूज है, व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू यूनाइटेड स्टेट नेवी सेल्स ऑपरेटिंग ऑपरेशन लीडिंग टू एलिमिनेशन ऑफ असामा बिन लादेन इन अबोटाबाद, कहने के अबोटाबाद में असामा बिन लादेन के खात्मे, असामा बिन लादेन के खात्मे के लिए मुत्तहिदा रियासतों के बहरी सेल ऑपरेशन के सिलसिले में कोड नाम क्या था उनका, जो था ऑप्शन बी है, नेपच्यून स्पीयर। नेक्स्ट 33 एमसीक्यूज है, दरस तदरीस की साइंस है पेडागोगी इज द साइंस ऑफ, 33 एमसीक्यूज ऑप्शन डी है, टीचिंग। नेक्स्ट 34 एमसीक्यूज है, आलमी इक्तसादी फोरम जो डेवस स्विट्जरलैंड में अपना सालाना इजलास मुनक़िद करता है की बुनियाद रखी गई थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी स्टावा क्लास में, ये ऑप्शन जो है वो सी आएगा। नेक्स्ट 35 एमसीक्यूज है, स्विट्जरलैंड में खवातीन को वोट का हक कब दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिपीटेड हो रहा है, ये भी ये हक दिया गया था 1971 में। नेक्स्ट 36 एमसीक्यूज है, पैसा का झुकाव वाला टावर किस मुल्क में वाकया है? ये वाकया है इटली में। नेक्स्ट 37 है, आप एशिया से पहले इक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल थे वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता था? कह रहा आप एशिया से पहले इक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल थे वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता था? ये रखता था बर्मा से। नेक्स्ट 38 एमसीक्यूज है, हिंदुस्तान के जरिए बालघर डैम किस नदी पर तमीर किया जा रहा है? ये चिनाब पर जो है तमीर किया जा रहा है। नेक्स्ट 39 एमसीक्यूज है, एक एकड़ में कितने एकड़ होते हैं? इसमें 2.47 एकड़ होते हैं, वन एकड़ में एकड़। नेक्स्ट 40 एमसीक्यूज है, वो लिक्विड जो तेजी से बुखारात में मुब्तला हो जाते हैं इन्हें इन एक लिक्विड के नाम से जाना जाता है। 40 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो सी है, वोलेटाइल। नेक्स्ट 41 एमसीक्यूज है, अगर कोई जहाज किसी समुद्र या समुद्र में मीठा पानी बताता है तो ये हो जाएगा, 41 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है, राइज अ लिटिल हायर। इफ अ शिप ट्रेवल्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू अ सी और सीन इट विल। नेक्स्ट 42 एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स और या वेजिटेबल्स इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। मदरसा झील में से कौन सा फल या सब्जी पोटेशियम का अच्छा जरिया है? ये स्पिनेच। नेक्स्ट 43 एमसीक्यूज है, ब्लीचिंग पाउडर की का कीमियाई नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? 43 एमसीक्यूज ऑप्शन ए है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट 44 एमसीक्यूज है, मदरसा झील ममालिक में से किसने 1917 में फलस्तीन आजादी तंजीम को मुल्क से खारिज कर दिया? 44 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो डी है, जॉर्डन। नेक्स्ट 45 एमसीक्यूज है, जिस अदाकार ने जमील दहलवी की हदायतकारी में बनने वाली फीचर फिल्म जिनाह में कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह का किरदार अदा किया था? 45 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो सी है, क्रिस्टोफर ली। नेक्स्ट 46 एमसीक्यूज है, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म स्लिम डॉग करोड़पति किताब क्यू पर मबनी है और इसकी तहरीर करता रिटन बाय किसने लिखी है? 46 एमसीक्यूज ऑप्शन सी है, विकास स्वरूप ने लिखी है। नेक्स्ट 47 एमसीक्यूज है, मशहूर पाकिस्तानी अदाकार संतोष कुमार का असल नाम क्या था? उनका असल नाम था सैयद मुसा रजा। नेक्स्ट 48 एमसीक्यू था, झील ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सा गर्मी का सबसे बड़ा असर है?
ये कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी का बहुत बड़ा असर करता है। नेक्स्ट 48 49 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज द सॉरी 49 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 वाज हेल्ड इन पेरिस, वेयर वाज COP20 हेल्ड। कह रहे पेरिस में मौसमियाती तब्दील कॉन्फ्रेंस का 21 हुआ सीओपी, और जहां पुलिस जो थी वो वेयर इज ये कहां पर वाकया है, वेयर वाज COP2 हेल्ड, कहां पर जो है वो मुनकिद हो गई थी। 49 एमसीक्यूज ऑप्शन जो है वो ए है, लीमा में। नेक्स्ट लीमा वेयर वाज हेल्ड पाई गई, ये लीमा में पाई गई। नेक्स्ट 50 एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इन एंडेमिक टू पाकिस्तान, दर्ज में से कौन सी नस्ल पाकिस्तान के लिए मुकामी है, इंडस रिवर डॉल्फिन्स। इंशाल्लाह ताला दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, और लिंक्स को जो है यूट्यूब के लिंक्स को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्त भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम।